हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा जोधपुर फोर्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसे देख के आइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। किले का जो देखने का पार्ट था वो अपन का कंप्लीट है। अब अपन यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ म्यूजियम शॉप है, सोवेनियर शॉप। सो गाइस, यहाँ से क्राफ्ट बाज़ार यानी कि जोधपुर किले का बाज़ार शुरू होता है। गाइज़, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बाज़ार में कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोजड़ी अवेलेबल है। ये सारी मोजड़ियाँ इन लोगों ने अपने हाथों से बनाई है, यानी कि सारी मोजड़ियाँ हैंडमेड है। मेरे पापा एक्चुअली यहाँ पे ट्राई भी कर रहे हैं। एंड गाइज, यहाँ पे ये लोग अपने हाथों से बनाई हुई शॉल और चादर आप लोगों को देते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख ही सक रहे हो कैसे ये अंकल जी अपने हाथों से शॉल बना रहे हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ दुपट्टे भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कुर्तीज, कुर्ताज और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, लाइक जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस ऑर्नामेंट्स आर। एंड द नेक्स्ट थिंग विच यू विल फाइंड ओवर हियर इज, यहाँ पे आपको हैंडमेड टॉयज भी मिल जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे एक दादी जी अपने हाथों से खिलौने बना रहे हैं। लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज। जोधपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ सनसेट। आई होप आपको पता चल रहा होगा सिटी ऑफ सनसेट क्यों कहा जाता है। जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुल द सनसेट इज हियर। सो गाइज, यहाँ से आगे है मंदिर। अगर आप ये सीढ़ियाँ उतर के जाते हो तो आपको मंदिर वहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे ये इवनिंग में लाइट चालू होने के बाद ये किला कितना ब्यूटीफुल लगता है। जस्ट हैव अ लुक एट इट।
नाउ वी कैन सी जोधपुर को क्यों ब्लू सिटी भी कहा जाता है. जस्ट लुक हाउ दिस ब्यूटिफुल हाउसेस आर. सो गाइज फाइनली इज़ द एंड ऑफ द जोधपुर फोर्ट ब्लॉग. आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो. नहीं पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा एंड स्टे ट्यून फॉर जोधपुर पैलेस ब्लॉग.